अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अबे दर्जी की औलाद, लड़कियों की कमर का नाप लेने से पहले अपनी हड्डियों की नाप ले ले, जो अभी टूटने वाली है बगैर इंची टेप। दोस्तों, आज जिस मशहूर हीरो की मैं बात कर रही हूँ, वो कहते हैं कि मुझ में और मशहूर संगीतकार भापी लहरी में एक बहुत बड़ी समानता है, क्योंकि वो जब फिल्मों में आए तो उन्होंने संगीत के अंदाज को बदल दिया, और मैं जब फिल्मों में आया तो मैंने डांस के अंदाज को बदल दिया, और वो हैं बेहतरीन डांसर मिथुन चक्रवर्ती। ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था, ये पांव मेरे तो तब भी थे रखते थे जब चलना आता नहीं था, नगमों की मस्ती है मेरी जवानी में, है डांस मेरे लहू की रवानी में। 16 जून 1950 में पैदा हुए थे मिथुन चक्रवर्ती बांग्लादेश में एक बंगाली हिंदू परिवार में। उनके पिता का नाम था बसंतो कुमार चक्रवर्ती और वो किसान थे। मिथुन की माँ का नाम था शांति रानी और वो हाउसवाइफ थी। मिथुन का एक भाई भी था, और हम आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती का असली और पूरा नाम है गौरंगा चक्रवर्ती। गुंजे लगे हैं कहने फूलों से भी सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म तो हुआ था बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। उन्होंने साइंस की डिग्री ली। आम तौर पे लोग जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोग वकील, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको सुन के बड़ी हैरत होगी, मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी के हालात कुछ ऐसे हो गए कि वो नक्सलाइट बन गए। लेकिन बाबूजी, छोटे बच्चों को तो भीख मिल जाती थी, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो भीख मिलनी बंद हो गई। सर, तो पेट पालने के लिए मुझे चाकू का सहारा लेना पड़ा। उसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती के इकलौते भाई की डेथ हो गई एक बहुत भयानक हादसे में, और मिथुन चक्रवर्ती की आत्मा जागी, अंतरात्मा जागी, और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं नक्सलवाद छोड़ दूंगा और कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे, बल्कि ऐसा काम करूंगा जिससे लोगों को राहत मिले और खुशी मिले। इसलिए वो पूना आ गए, और पूना में फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया, और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम भी बदल लिया और बन गए राणा रेस। एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल करने के बाद मिथुन मुंबई आ गए और एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल करने लगे। उसी दौरान उस जमाने के एक बहुत मशहूर डायरेक्टर थे और उनका नाम था मृणाल सेन। वो एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म का नाम था मृगया, और उस फिल्म के लिए उनको यानी डायरेक्टर साहब को एक ऐसे लड़के की ज़रूरत थी जो बहुत ही दुबला पतला, गरीबी का मारा हुआ, भूखा प्यासा और बहुत कमज़ोर लगे। और इत्तेफाक की बात है कि उस दौरान मिथुन चक्रवर्ती कुछ ऐसे ही लगते थे, इसलिए फौरन उन्हें वो फिल्म मिल गई मृगया। हाँ बड़ा राजा बाबू, तीर से पैर में थोड़ा जख्मी हुआ, उसका जानवर है ना, भाग निकला, मैं भी उसके पीछे पीछे, वो भागता गया इस जंगल से उस जंगल, मैं भी छोड़ा नहीं, जब थक गया ना मौका मिलते झट पकड़ लिया। मिथुन चक्रवर्ती को इस बात की बहुत खुशी थी कि उन्हें अपनी पहली फिल्म में ही नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन इस बात की बहुत तकलीफ थी कि उस फिल्म के बाद उन्हें कोई फिल्म ऑफर नहीं की गई बहसियत हीरो। उसी दौर के एक और बहुत मशहूर डायरेक्टर थे और उनका नाम था दुलाल गुहा। वो एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे थे और फिल्म का नाम था दो अनजाने। उसमें हीरो थे अमिताभ बच्चन और हीरोइन थी रेखा। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से कहा,
कि मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, लेकिन उसमें एक बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन है अमिताभ बच्चन के साथ। तुम अगर करोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं भी बहुत बड़ा और मशहूर हीरो बन जाऊँगा और अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐसी फिल्म में काम करूँगा जिसमें दो हीरो थे, वो और मैं। बस गंगा बस, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ। मजबूर सिर्फ इसलिए हूँ कि मेरी जिंदगी पर तेरे एहसानों का कर्ज है। तो आज मैं वो कर्ज वसूल करता हूँ सूद समेत, तेरे जिस्म से एक एक कतरा खून बहाकर। ये बात है तो चला गोली। और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि उस दौर की सब बड़ी बड़ी टॉप मोस्ट हीरोइंस के साथ मैंने काम किया। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मिथुन चक्रवर्ती ने दो शादियां की। उनकी पहली बीवी का नाम है हेलेना, वो मॉडल थी और कई फिल्मों में काम भी किया था, लेकिन अफसोस कि सिर्फ 4 महीने बाद दोनों अलग हो गए, दोनों का डाइवोर्स हो गया और उसके कुछ अरसे बाद मिथुन ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी बीवी का नाम है योगिता बाली और वो भी हीरोइन थी और मिथुन के साथ कई फिल्मों में काम किया था। मैं तेरा रहूंगा सदा, ये वादा रहा। हम आपको बता दें कि मिथुन और योगिता बाली के 4 बच्चे हैं, 1 बेटी और 3 बेटे। सबसे बड़े बेटे का नाम है मीमो, लेकिन ये उसका पेट नेम है। उसका असली और फिल्मी नाम है महा अक्षय चक्रवर्ती। वो शादीशुदा है और हीरो भी था। मैंने जब मिथुन चक्रवर्ती का टेलीविजन पे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा था, बसुम जी योगिता बाली के साथ शादी करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा, क्या भैया? तो कहने लगे कि किशोर कुमार ने मेरे लिए प्लेबैक देने से इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया कि मैं मिथुन के लिए गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी एक्स वाइफ से शादी की। लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनका गुस्सा ख़त्म हो गया और वो फिर से, यानी किशोर कुमार, फिर से मिथुन चक्रवर्ती के लिए प्लेबैक देने लगे। एक तो अंदर की गर्मी, एक तो बाहर की गर्मी, हरा अंगारा लगे। ऐसे में तेरा आना, प्यार मुझ पे बरसाना, जीवन से प्यारा लगे। मिथुन चक्रवर्ती ने ज्यादातर फिल्मों में रोमांटिक काम किया और जाती जिंदगी में भी वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने जितनी भी हीरोइंस के साथ काम किया उनमें से कई हीरोइंस ऐसी हैं जिनके नाम के साथ मिथुन का नाम जोड़ा गया और उनमें से एक थी श्रीदेवी। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि दोनों ने शादी भी कर ली थी। और दोस्तों, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि सन 2014 में मिथुन चक्रवर्ती ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, राज्यसभा के मेंबर भी बन गए और 2016 में रिजाइन भी कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती बहुत अच्छे एक्टर हैं, बेहतरीन डांसर हैं और उनमें एक खूबी और भी है, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। और इस बात का सबूत ये है कि ज़िंदगी भर उन्होंने जो कुछ भी कमाया उस पैसे को बिल्कुल सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट किया। उन्होंने ऊटी में बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीदी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनवाई और 5-स्टार होटल भी बनाया मुनार्क के नाम से। मिथुन चक्रवर्ती माशाल्लाह 70 साल के हो गए हैं लेकिन बिल्कुल फिट हैं और एक्टिव भी हैं। वो फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। आप मेरे प्यार की तौहीन कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी भी तौहीन कर रहे हैं, करते क्या तुम? आई एम ए डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का दीवाना। और फिल्मों के अलावा टेलीविजन पे भी अक्सर नजर आते हैं, बड़े बड़े डांस कॉम्पिटिशन में बहसियत जज। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। उन्हें जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ख़ास तौर पे कुत्तों से। वो कहते हैं आज के दौर में इंसान बेवफाई करते हैं
लेकिन कुत्ते हमेशा वफादार रहते हैं। दोस्तों मुझे एक शेर याद आ रहा है, वफा दुनिया में जिंदा रहेगी, वफा दुनिया में जिंदा रहेगी लेकिन कुत्तों से शर्मिंदा रहेगी। वाकई बात तो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।